वेलकम बैक टू माय चैनल ओजस फिटनेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बात कर लेने वाले हैं स्किन पर डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन डिस्कलरेशन या फिर फ्रेंड्स अगर आपके स्किन का मेलानिन प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो चुका है जिसके रीजन के चलते आपका स्किन का कलर पहले से डार्कन हो गया है तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल प्रूफ होने वाला है। बिकॉज आज की वीडियो में बहुत ज्यादा इफेक्टिव इंग्रेडिएंट्स से बहुत ही इंस्टेंट आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। मेंस है या वीमेंस है दोनों लगा सकते हैं। इनफैक्ट आप उसको स्टोर भी करके रख सकते हैं फ्रेंड्स, और जब भी आप मतलब आपको लगाने का टाइम मिले तो आप डेफिनेटली उसको ट्राई कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स ये किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देगी। अगर आपके बच्चे को जो 12 ईयर से या 13 ईयर से अबव है, बॉय है या गर्ल है, उसको कोई मार्क हो गया है स्किन पर तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव प्रूफ होने वाला है। विद इन 15 डेज में या 20 डेज के अंदर आपको विजिबल रिजल्ट इसके देखने मिलेंगे। इनफैक्ट वन टाइम जब आप इसको लगाएंगे तो आपको तभी विजिबल डिफरेंस जो है आपकी स्किन में देखने मिलेगा। फ्रेंड्स अगेन मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि कभी भी कोई भी एक्सटर्नल केयर हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स के लिए हम उसको ले रहे हैं उनका समाधान नहीं है जब तक कि हम इंटरनल केयर नहीं करेंगे। इंटरनल केयर इट मीन्स कि हम जो है डाइट को, अपने लाइफ स्टाइल की इरेगुलरिटी को मेंटेन नहीं करेंगे। हर वीडियो में आप सभी से यही बात कहती हूँ गाइज कि 70% जो होता है मोस्टली हमारी बॉडी में हमारा जो इंटरनल इंटेक होता है वो डिपेंड करता है हमारी जो एक्सटर्नल केयर को कितनी जल्दी वो रिपेयर कर सकता है, कितनी जल्दी उसको रिकवर कर सकता है। तो दोनों चीज़ों के लिए मस्ट है कि आप इंटरनल अपने जो हेल्थ है उसको भी मेंटेन करें और साथ में अपनी जो एक्सटर्नल केयर कर रहे हैं उसको भी। जब ये दोनों आप बिल्कुल ठीक तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली विजिबल रिजल्ट आपने देखने मिलेंगे गाइस। बट यहाँ पर ये जो मैं आपको रेमेडी बता रही हूँ फ्रेंड्स, इसको आप स्टोर भी करके रख सकते हैं। स्टोर इन द सेंस कि आप इसको लगभग 20-25 डेज तक फ्रिज में स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। एवरी डे आप इसको ट्राई कीजिए, कोई भी दिन स्किप ना कीजिएगा। इससे रिजल्ट ये होगा फ्रेंड्स कि आपके डार्क स्पॉट्स बहुत जल्दी खत्म होने लगेंगे और वो भी परमानेंट तरीके से, नेचुरल तरीके से, किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट आपकी स्किन को नहीं होगा फ्रेंड्स। फ्रेंड जिनका ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है, तीनों में से किसी भी टाइप का स्किन है फ्रेंड्स, तो वो इसको कैसे यूज करेंगे फ्रेंड्स? उनको कैवलिन क्ले ले लेना है और राइस वाटर में इसको डिप कर देना। अगर आप दिन में ये प्रोसीजर कर रहे हैं तो आप 2-3 घंटे इसको डिप करिए, रात में कर रहे हैं तो रात में तो आप इसको डिप करके रख ही सकते हैं। आपने करना ये है फ्रेंड्स कि मॉर्निंग में, अगर रात में कर रहे हैं तो मॉर्निंग में आपने जो डिप किया हुआ पेस्ट है उसको एक बार आप स्पून से मतलब चला लीजिए, उसमें जो बाउल में आपने लिया है हाफ बाउल आप कैवलिन क्ले ले लीजिए। कैवलिन क्ले आपने ऑर्गेनिक लेना है, नेचुरल लेना है, बिल्कुल हर तरह का कैवलिन क्ले आता है तो अच्छा ब्रांडेड देखकर आप जो है ऑर्गेनिक सर्च करके लीजिएगा। मैं बायो ऑर्गेनिक का यूज़ करती हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे। नेक्स्ट है कि इसमें आपने एलोवेरा जेल ऐड करना है 1 चम्मच। इसमें एलोवेरा जेल भी ऑर्गेनिक और नेचुरल लेना है। बहुत से लोग बहुत फ्रेग्रेंस वाले आते हैं एलोवेरा जेल या हेयर वाले आते हैं, वो नहीं डालने, स्किन वाला ऐड करना है। उसके बाद में फ्रेंड्स आपने 6-7 बूंदे इसमें लेमन एसेंशियल ऑयल की ऐड करनी है। ये 4 इंग्रेडिएंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आपके स्किन के डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने में, डिस्कलरेशन पिगमेंटेशन को दूर करने में, जो आपका मेलानिन प्रोडक्शन होता है जिसके कारण स्किन का टोन मतलब डिफरेंस नज़र आता है, लाइटन नज़र आता है, डार्क नज़र आता है पहले से, तो उसको जो है लाइटन अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ड्राई स्किन वाले हों, नॉर्मल कॉम्बिनेशन स्किन वाले इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसको, बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके फ्रेंड्स मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपने चैनल पर ऐड ऑन किए हुए हैं कि आपका अगर अंडर आर्म्स ब्लैक हो गए हैं तो आप कैसे इसका क्रीम बनाकर यूज़ करें, आपका बच्चा जो बेबी होते हैं उनकी स्किन अगर डार्क हो गई तो आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग तरीके से मैंने इसको यूज़ करना अपने चैनल पर बताया हुआ, आप विजिट भी कर सकते हैं, मेरे चैनल पर सर्च करके देख भी सकते हो गाइज। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं जिनका ऑयली स्किन टोन है वो कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, या जिनका सेंसिटिव स्किन टोन है वो इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ऑयली स्किन वालों के लिए फ्रेंड्स जो सीबम प्रोडक्शन होता है स्किन में उसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
तो उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इसमें ड्राइनेस प्रॉपर्टीज होता है, तो कैवलिन क्ले के साथ में आपने एक क्ले और मिलाना है, वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी में सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करने का बहुत अच्छा पावर होता है। तो एक स्पून, एक से दो स्पून आपने कैवलिन क्ले लेना है, तो एक चम्मच आपने मुल्तानी मिट्टी एड ऑन करना है, दो चम्मच वो और एक चम्मच आपने मुल्तानी मिट्टी। उसके बाद आपने इनको राइस वाटर में दोनों मिट्टी को डिप कर दिया है, क्ले, दोनों क्ले लेके आपने डिप कर देना, ये सोक हो जाएंगे। देन आपने वही प्रोसीजर एलोवेरा जेल और लेमन एसेंशियल ऑयल एड ऑन करना है। तो इस तरीके से आप ऑयली स्किन वाले हो या फिर आप सेंसिटिव स्किन वाले हो, आप ट्राई कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आने वाला है, क्योंकि ये नेचुरल है, सेफ है। फ्रेंड्स, अगर सेंसिटिव स्किन वालों को फेस पर इस तरह के पिंपल्स हो रखे हैं कि उन्होंने उनके मतलब दाने पड़ गए हैं उनके और वो फूट चुके हैं और दिक्कत हो रही है उनको स्किन में, तो वो लेमन एसेंशियल ऑयल ना ऐड करें, है ना, वो इससे स्किप, क्योंकि बहुत से लोगों देखा गया है कि वो लेमन एसेंशियल ऑयल जब ऐड कर देते हैं, जब पिंपल हो गए होते हैं और उन्होंने फोड़ चुके होते हैं वो पिंपल को, तो वो उस एरिया को जो है बहुत ज़्यादा मतलब अफेक्ट कर देते हैं, वहाँ पर इरिटेशन और एलर्जी क्रिएट कर देते हैं, रेडनेस क्रिएट कर देते हैं, तो वो लेमन एसेंशियल ऑयल को स्किप कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज आप इस तरीके से यूज़ करेंगे, बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है डार्क स्पॉट्स को, पिगमेंटेशन, डिस्कलरेशन और मेलानिन प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने में, मतलब आपके स्किन के, और साथ ही फ्रेंड्स ये आपके स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसको भी बहुत अच्छे से मेंटेन करेंगे। तो आप इसको ट्राई करें, 1 मंथ के लिए आप इसका ये जो अभी मैंने बताया होम रेमेडी क्रीम एज अ क्रीम इसको तैयार करके रख सकते हैं और इसको यूज़ करके मुझे रिजल्ट कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली जो है मैं इस रेमेडी को लेकर आई हूँ और रिजल्ट आपको भी बहुत इफेक्टिव देखने मिलेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, बिकॉज मेरे टॉपिक जो चैनल है ओजस फिटनेस, इस पर स्किन केयर, हेयर केयर और हेल्थ केयर से रेलिवेंट वीडियोज़ मैं रेगुलर बेसिस पर अपलोड करती हूँ। सो ओजस फिटनेस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।